हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इंडिया में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। मीडिया एक लिंक है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। मीडिया का मेन काम है पब्लिक के मुद्दे और प्रॉब्लम्स को लेके गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना। क्या आज का मीडिया ये काम करेक्ट कर रहा है क्या? इंडियन मीडिया रैंक्ड एट 150th पोजीशन इन द वर्ल्ड। श्रीलंका जहाँ वर्स्ट क्राइसिस चल रहे वहाँ का मीडिया का रैंक भी अपने मीडिया से अच्छा है। वर्ल्ड का पुअरेस्ट कंट्री बुरुंडी सोमालिया जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं होता वहाँ का मीडिया का रैंक भी अपने मीडिया से अच्छा है। 2019 में ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन इंडिया के फोर मेन न्यूज़ चैनल्स आज तक जी न्यूज़ न्यूज़ 18 इंडिया टीवी इनके डिबेटेड टॉपिक्स पे एनालिसिस करा। ये पूरे न्यूज चैनल्स में कॉमन टॉपिक वॉज अटैकिंग पाकिस्तान और कंपेयरिंग विद पाकिस्तान। एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिबेट नहीं हुआ। एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन हेल्थ केयर एक्सेट्रा बहुत सारे टॉपिक्स पे डिबेट हो सकता था पर किस पे भी नहीं हुआ। जस्ट कंपेयरिंग विद पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका आसपास की कंट्रीज से कंपेयर कर रही है। ये डिबेट्स में एक ही आदमी डिफरेंट ऑक्यूपेशन एक्सपर्ट बन के आ रहा। मतलब ये न्यूज चैनल्स क्या समझ रहे? कुछ भी दिखा दे रहे पब्लिक को। इंडिया में न्यूज चैनल्स को मॉनिटर करने के लिए कौन सा भी इंस्टीट्यूशन या बोर्ड नहीं है। इसके लिए ये लोग इनकी मर्जी में ऐसा दिखा रहे। रिसेंटली न्यूज लॉन्ड्री भी एक सर्वे करा ये मेन न्यूज चैनल्स पे और इस बार कॉमन टॉपिक वॉज कम्युनल इश्यूज हिंदू मुस्लिम टॉपिक। एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हुआ। अगर आप NDTV के डिस्कशन देखोगे तो इसमें रविश कुमार इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते। शायद इसीलिए अडानी वॉन्ट्स टू बाई NDTV न्यूज चैनल नाउ, क्योंकि कौन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिबेट ही ना करे। जब मैं स्कूल में था इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री बोल के सुनता था और आज भी सिचुएशन सेम है। इन 1985-86 इंडिया और चाइना का इकोनॉमी सेम था। आज 2022 में इंडिया का इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है वही चाइना का इकोनॉमी 19.9 ट्रिलियन डॉलर्स है। बट वी आर हैप्पी कंपेयरिंग विद पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान। अगर डिबेट करना है तो इस पे करो वेयर आर वी लैकिंग। मोदी जी जब तेलंगाना को आए तो बोले फैमिली पॉलिटिक्स इज डेंजरस और इससे बच के रहना चाहिए एंड मीडिया पब्लिश द सेम। तो मोदी जी आप कर्नाटक को जाके सेम चीज़ कहीं को नहीं बोलते। वहाँ का CM के बसवराज उनके डैडी 2011 या 2013 में CM थे उनके डैडी भी, तो आप वहाँ भी जाके सेम बोलना था ना। अमित शाह का बेटा जय शाह ही इज ए सेक्रेटरी इन BCCI, तो अमित शाह को जय शाह को ये जॉब कैसे मिला? उसमें मीडिया का काम बस दिखाना ही नहीं पूछना भी होता। बारिश के वजह से ये खड्डे में गिर गया बोल के दिखाते, ये खड्डे के वजह से रोड का एक्सीडेंट हुआ बोल के दिखाते, बस दिखाना ही नहीं पूछना ये खड्डा कई को है, ये इतने सालों से कई को है ये खड्डा बोल के गवर्नमेंट से पूछना। जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में था थोड़े प्रोटेस्ट हुए थे लाइक अन्ना हजारे मूवमेंट, रामदेव बाबा प्रोटेस्ट फॉर ब्रिंगिंग ब्लैक मनी बैक। ये प्रोटेस्ट को थोड़े न्यूज़ चैनल सपोर्ट कर रहे थे, थोड़े न्यूज़ चैनल्स न्यूट्रल थे, पर कौन सा भी न्यूज चैनल अपोज नहीं कर रहा था ये प्रोटेस्ट को। आज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे फॉर फॉर्म बिल और यूथ प्रोटेस्ट कर रहा फॉर अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम, आज ये न्यूज चैनल्स बोल रहे कि ये स्कीम ये पब्लिक को समझ में नहीं आया और ये स्कीम के फायदे बता रहे। भाई साहब अगर चीज अच्छा है तो उसके फायदे बताने की जरूरत ही नहीं है। लाइक अगर मूवी अच्छा है तो उसको ज़्यादा प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मूवी अच्छा नहीं है तो तभी ज़्यादा प्रमोशन करते। ये न्यूज़ चैनल्स डीमोनेटाइजेशन GST के फ़ायदे बता रहे थे। बट वॉट हैपन, डीमोनेटाइजेशन वॉज बिगेस्ट फेलियर इन इंडिया। डीमोनेटाइजेशन को ये सोच के इम्प्लीमेंट करें कि इससे ब्लैक मनी इंडिया में नहीं रहता बोल के, बट नथिंग हैपन लाइक दैट। उल्टा GDP 2% नीचे गिर गया। डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट हुए सो 2 मंथ्स के अंदर ही RBI खुद के रूल्स 75 टाइम्स चेंज करा। एक न्यूज रिपोर्टर इंडियन रूपी
गिरने के भी फायदे बता रहा था। वो बोल उसके हिसाब से अगर कोई यूएस में काम कर रहा है तो वो इंडिया को पैसे भेजेगा तो पहले 75 रुपीस मिलते थे एक डॉलर के बदले में, अब उसको 80 रुपीस मिलेंगे। तो वो बोल रहा है कि 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यूएस में इंडिया का पॉपुलेशन 5 मिलियन है, तो तुम 5 मिलियन लोगों का फ़ायदा देखोगे या 140 करोड़ लोगों का जो इंडिया में रह रहे हैं। मीडिया को गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछना था कि वाई दिस डिमोनेटाइजेशन इज़ ए फेलियर, बट ये लोग बिजी थे 2000 रुपीस के नोट के अंदर चिप ढूंढने में। भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में रहते हैं वहां से विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं, उन्हें अब ज्यादा फायदा होगा। यानी 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी।